यदि आपने भी ठान लिया है कि टीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्ट जरूर होंगे, बशर्ते क्या है कि आप पॉजिटिव अप्रोच को अपनाएं और एक सही दिशा में और तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। क्या करें आप, यदि आपने ठान लिया है कि हमको जीतना ही है तो आपको कोई माई कलाड रोकने वाला नहीं है, लेकिन यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी शंका है तो आप निश्चित तौर पर पीछे जा रहे हैं, तो क्या करें अपने आप को मजबूत बनाएं, पॉजिटिव बनाएं और जो है एक जिद के साथ तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। कहा गया है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन में आपने जीतने का जज्बा जगाइए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में और हम बात कर रहे हैं इसमें टीजीटी के लिए भूगोल की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट की और यह पीजीटी के लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर कवर करेंगे 10 साल का, उसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज लेके आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं उसी क्रम में आगे और ये हमारा पार्ट टू है, देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है आपके लिए। भारत में अपनाई गई मानक मध्यान रेखा क्या, यानी कि भारत में जो मध्यान रेखा यानी मेरिडियन है वो कौन सी है, तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ आवश्यकता होगी हम वहाँ पर व्याख्या भी करेंगे क्योंकि इसमें लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट या फिर फिलीपींस प्लेट? तो आपको दिख रहा है प्रशांत प्लेट जो है एक बड़ी प्लेट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और यह 1960-70 के दशक में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के विकास के परिणाम स्वरूप वेगनर के जो महाद्वीपीय सिद्धांत है को नई दिशा मिली थी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पीडमाट मैदान द्वारा बने हैं पवन, ग्लेशियर, नदी या फिर भौम जल? तो पीडमाट मैदान नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। पानी के कटाव और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हिमस्खलन से तलहटी अवधि यानी कि जो तलहटी बनती है, चादर ढाल पीछे हटाने और धीरे धीरे पहाड़ पैर तक के कटाव के रूप में विशाल मैदानों के जुड़ने से यह बनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, संवहनी वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन में कितनी, मतलब जो संवहनी वर्षा है वो अधिकांशतः प्रतिदिन होती है, मतलब कहाँ पे होती है यह पूछा गया है। यह जो होती है यह वर्षा भूमध्यरेखीय क्षेत्र में होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो जो संवहनी वर्षा है, देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को तीन प्रमुख प्रकारों, संवहनी, पर्वतीय व चक्रवाती वर्षा में बांटा गया। यानी कि यदि हम उत्पत्ति के आधार पर देखें वर्षा को, तो एक तो हो गई संवहनी वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा और तीसरी क्या है, चक्रवाती वर्षा में बांटा गया है। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुँचने के बाद यह विस्तृत होती है तथा तापमान कम होने पर ठंडी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र खासकर उत्तरी गोलार्ध में के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे या फिर कोई नहीं? तो जो महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद हैं वो कहलाते हैं भूजात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं इसका डिटेल क्या है। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद भूजात कहलाते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उपले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है, जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, ठीक है? वहाँ पर मग्न तट सकरे होते हैं, ठीक है? सकरे होते हैं मग्न तट। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र कौन सा है, गुजरात तट, सुंदरबन क्षेत्र, विशाखापत्तनम या फिर तमिलनाडु तट? तो भारत में जो उच्चतम ज्वार क्षेत्र है वो है गुजरात का तट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं, कोरल पॉलिप्स, रेडियोलेरियन पंख, डायटम पंख या फिर कैल्शियम युक्त पंख से? तो जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वह बनी होती हैं आपके कोरल पॉलिप से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सेपियंस से संबंधित है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर स्वयंपोषी? तो जो सर्वाहारी है वो होमो सेपियंस से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। आधुनिक समय में पाए जाने वाले मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग हैं वो क्या हैं, होमो सेपियंस हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है, सर्वाहारी हैं, यानी कि जो होमो सेपियंस है वर्तमान से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे, जिनकी खोपड़ी का आकार आधुनिक व्यक्ति हम लोगों से कुछ भिन्न था।
होमो एक लैटिन शब्द है, ये भी ध्यान रखना है कि होमो क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मनुष्य या मानव। ये इंपॉर्टेंट है कि जो होमो का होमो शब्द का अर्थ है वो मनुष्य या मानव होता है जब यह उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे समलैंगिक, या यह यूनानी शब्द होमोस से आता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अर्धकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हम्बोल्ट, रीटर, रेड जेल या फिर वाइल्डर लीला ब्लास। यह लिखा गया है रीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कार्ल रीटर एक क्या थे? जर्मन सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जो आधुनिक भूगोल को पृथ्वी के विज्ञान के रूप में होना चाहिए के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। लिब्रे स्वयं की संकल्पना किसके द्वारा विकसित थी? टेलर, रेड जेल, हेटनर या फिर रिक्टोफेन। तो यह जो विकसित की गई थी, यह की गई थी रेडजल के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या के सिद्धांतों पर निबंध द्वारा लिखा गया था, यानी किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था माल्थस के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कील, सुएज, पनामा या फिर सेंट सुमैरी। तो जो पनामा नहर है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोएल्थस को पनामा नहर बनाने के लिए जाना जाता है। यदि पूछ ले कि पनामा नहर किसने बनाया था तो कौन थे? गोएल्थस। ये ध्यान रखना है, गोएल्थस को पनामा नहर बनाने के लिए जाना जाता है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह निश्चित लक्ष्य से 2 साल पहले 1914 में बनकर तैयार हुई, यानी कि जो लक्ष्य था 1916 था लेकिन वह 2014 में ही बनकर तैयार हुई थी। यह कैनाल यानी कि नहर लगभग 170 देशों और 1700 बंदरगाहों को जोड़ती है। इस नहर के पास अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन तथा प्रशांत महासागर के मुहाने पर पनामा बंदरगाह अवस्थित है। इस नहर का विचार सर्वप्रथम स्पेन के राजा चार्ल्स पंचम के दिमाग में वर्ष 1534 ईस्वी में के आसपास आया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है? भारत, ब्राज़ील, वेस्ट इंडीज, इथियोपिया। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये है ब्राज़ील। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? यानी कि जो ऐसी कौन सी नदी है जो कश्मीर घाटी से होकर बहती है? झेलम, तीस्ता, रावी या फिर ब्यास। तो कौन सी है? ये झेलम नदी है जो कि कश्मीर घाटी से होकर बहती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांस के ऊपर आल्पस से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कौन सी कहलाती है? हरमट्टन, सिरोको, फान या फिर मिस्ट्रल। तो यह पवन कहलाती है मिस्ट्रल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांस के मध्य मैसिक के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी शुष्क उत्तरी पश्चिमी अथवा उत्तरी हवाएं जो मुख्यतः रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलती हैं मिस्ट्रल कहलाती हैं। इस ठंडी हवा की औसत गति 60 किमी प्रति घंटा तथा कभी कभी यह 130 किमी प्रति घंटा की गति से चलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः कौन सा अनुसरण करती है? या फिर तो यह करती है 180 डिग्री देशांतर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतया 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है जो एक काल्पनिक रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। यदि कभी आपसे पूछ ले कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया था तो यह किया गया था 1884 में। कहाँ पे? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तनाव, संपीड़न, भ्रंशन या फिर अपरदन। तो यह है अपरदन जो है एक अंतर्जनित बल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि अपरदन जो होता है कटाव के कारण होता है। जैसे भूपटल पर परिवर्तन मुख्यतः 2 बलों अंतर्जात तथा बहिर्जात के कारण होता है। अंतर्जात बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है तो ये डाइक कहलाता है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा डाइक कहलाता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा निकलने से लेकर या उसके अंदर विभिन्न रूपों
में इसके ठंडा होने की प्रक्रिया शामिल होती है। धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के ठंडा होकर जमने की प्रक्रिया जिससे पैंथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सील तथा डाई प्रकार की स्थलितियों का निर्माण होता है। दूसरे में धरातल से ऊपर घटित होने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी धरातली प्रवाह है। गर्म जल के सोते गीजर को वह छुआ रहे हैं, तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। जब उष्ण व हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरे से ऊपर चढ़ जाती है एक वाताघर, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण वाताघर। वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवी वाताघर सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये आपको बताना है। वी जर्कनेस, फिट जॉय शाह या फिर लैपफर्ट। तो यह किया गया था प्रतिपादित वी जर्कनेस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई के बीच, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई यानी कि कितने के कितने कितने के बीच होती है, यह होती है 200 मीटर तक। जो प्रकाशीय क्षेत्र है उसकी गहराई जो होती है 200 मीटर क्षेत्र तक होती है। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई 200 मीटर तक होती है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश जल या समुद्र में 200 मीटर तक जाता है, इसके बाद आगे नहीं जा बढ़ पाता और जल के अंदर अंधेरा होता है। इसी कारण जब गोताखोर समुद्र में गहराई तक उतरते हैं तो उनके सिर पर लाइट लगी होती है। गोताखोर जब समुद्र में उतरते हैं तो कृत्रिम श्वास को लेकर जाते हैं, यानी कि जो गोताखोर होते हैं वो सर पर लाइट लेके जाते हैं, जिसके क्योंकि 200 मीटर के बाद उसमें दिखाई नहीं देता। क्यूरोसियो धारा किस महासागर में देखी जाती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्यूरोसियो धारा है वो प्रशांत महासागर में देखी जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तापी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। तो जो तापी ऊर्जा है यह ध्वनि प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और हम फिर कल डिस्कस करेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।